नमस्ते फ्रेंड्स, आर्यनटारो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे गीता के फर्स्ट चैप्टर के श्लोक नंबर 2, जिस श्लोक में संजय जो है वो कहते हैं, पांडवों की सेना को व्यूह रचना में देखकर राजा दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोण के निकट जाकर कहा। तो श्लोक में हम ये देख रहे हैं कि संजय जो हैं वो धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं कि पांडवों की सेना की व्यूह रचना में देखकर राजा दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोण के निकट जाकर कहा। तो अब इसको जो है इसकी गहराई में जाएंगे इस श्लोक की। तो सबसे पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं, संजय जो है वो स्टैंड करता है इम्पार्शल इंट्रोस्पेक्शन को, जिसको हम निष्पक्ष आत्मनिरीक्षण भी कहते हैं। द एग्जामिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ वंस ओन मेंटल एंड इमोशनल प्रोसेस। तो संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि पांडवों की सेना युद्ध करने के लिए तैयार है, और पांडव कौन है? पांडव हमारी जो है गुड टेंडेंसीज, जो हमारे भीतर की जो गुड क्वालिटीज़ हैं वो पांडव है, जिसको हम विवेकशील गुण भी कहते हैं। पांडव वो हैं जो हमारी ऊर्जा को बाहर नष्ट होने से बचाते हैं, जो हमारी ऊर्जा को परमात्मा की तरफ लगाते हैं, अच्छे की तरफ लगाते हैं। तो इस बात से चिंतित होकर राजा दुर्योधन जो है अपने गुरु द्रोण के पास जाकर उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की। जैसे मैंने पहले बात करी है, गीता के श्लोक में एक एक शब्द की जो है कहीं ना कहीं कीमत है, एक एक शब्द का एक जो है मीनिंग है। तो यहाँ पर भी जो है इस श्लोक में सबसे पहले हम जाएंगे दुर्योधन को जानेंगे कि दुर्योधन का अर्थ क्या है। दुर्योधन यहाँ पे स्टैंड करते हैं वर्ल्डली डिज़ायर के लिए, संसारिक सुखों के लिए। दुर्योधन जो हैं वो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, और धृतराष्ट्र जो हैं वो अंधे हैं। और सबसे पहले धृतराष्ट्र को मैं एक बार को आपको रिमाइंड करा दूँ, धृतराष्ट्र जो है हमारे हमारे मन के लिए स्टैंड करता है, एक ऐसा मन जो हमारी इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है, जो खुद नहीं देख सकता लेकिन इंद्रियों का सहारा लेता है देखने के लिए, जिसको हम सेंस माइंड भी कहते हैं। और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, और दुर्योधन उनमें से पहले पुत्र, या फिर कहें कि सबसे एल्डेस्ट, सबसे बड़े पुत्र थे। और सबसे बड़े पुत्र होने के नाते उनको राजा कहा जाता था, जिसके कारण जो है वो बाकी के 99 के ऊपर जो है वो रूल करते थे। दुर्योधन रूल ओवर द रेस्ट ऑफ द 99 सेंसेस। तो अगर आप समझेंगे तो दुर्योधन जो है वो ज़्यादा ताकतवर हैं धृतराष्ट्र से, इसलिए दुर्योधन जो है संसारिक सुखों का प्रतीक है। दुर्योधन का शब्द भी समझ लीजिए, दुर का मतलब होता है कठिनाई, और युद्ध का मतलब होता है लड़ना। सो दुर्योधन मीन्स समवन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइट, जिसके साथ लड़ना बहुत कठिन है, क्योंकि वो बहुत ताकतवर हैं और वो संसारिक सुखों के प्रतीक हैं। इस श्लोक में हम देखते हैं दुर्योधन जो हैं वो चिंतित हो जाते हैं पांडवों की सेना को एकत्रित होते हुए देखकर, क्योंकि वो लड़ने के लिए तैयार है। ये देख के जो है दुर्योधन जो है वो कंसल्ट करते हैं, वो जाते हैं अपने गुरु द्रोण के पास और अपनी चिंता व्यक्त करते हैं। अब द्रोण को भी समझिए, द्रोण प्रतीक है आपके संस्कारों के लिए जो आपके भीतर हैं, जिसको हम इनर टेंडेंसी और हैबिट्स भी कहते हैं। इम्प्रेशंस लेफ्ट बाय थॉट्स एंड एक्शन विच क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग इनर अर्ज फॉर रेपिटेशन। द्रोण नाम संस्कृत शब्द जो है ध्रुव से आता है, और ध्रुव का अर्थ होता है पिघलना। तो द्रोण का अर्थ होता है जो पिघली हुई स्थिति में है, आपके जो पास एक्शंस और थॉट्स हैं वो पूरी तरह से मिटते नहीं हैं, वो आपके भीतर गहरे में एक मेल्टेड स्टेट में रहते हैं, एक पिघली हुई स्थिति में रहते हैं। आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना में वो एक सूक्ष्म अवस्था में वो वास करते हैं। इन प्रभावों को संस्कार कहा जाता है, और ये संस्कार जो है हमारे ऊपर जो है इफेक्ट करते हैं, या आपके भीतर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, एक अर्ज क्रिएट करते हैं कि आप अपने जो पास के जो एक्शंस हैं और जो थॉट्स हैं, जो डिज़ायर्स जो आप ऑलरेडी जी चुके हो, उसको जो है प्रेरित करते हैं दोबारा से करने के लिए। ये द्रोण का काम है, इसलिए द्रोण को जो है हैबिट्स भी कहा जाता है। ये आपकी इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धि को प्रभावित करते हैं और आपको प्रेरित करते हैं वही सेम डिज़ायर्स को बार बार जीने के लिए, और इन इच्छाओं और वासनाओं को दोहराने से आदतें बनती हैं। तो द्रोण का काम यही है कि वो जो आपकी सोए हुए आदतें हैं, जो सोए हुए बीज हैं, जो सोए हुए डिज़ायर्स हैं, उनको जगा के जो है दोबारा से जो है उसको सरफेस पे ले आए। और अगर वो डिज़ायर जो हैं जाग जाएंगे तो पांडवों की जो सेना है वो वीक हो जाएगी, वो कमज़ोर पड़ जाएगी। और अगर हम हिस्ट्री में देखें तो जो द्रोणाचार्य हैं उन्होंने जो अपनी शिक्षा है वो पांडवों को भी दी है
और कौरवों को भी दी है, लेकिन महाभारत के वक्त वो कौरवों की साइड हो गए थे। इसलिए अच्छी चीज़ों की आदतें डालना बहुत मुश्किल पड़ता है, और अगर बुरे की आदत डालनी हो तो बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि द्रोण उनके साथ है। एक व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हम अवचेतन मन भी कहते हैं, अगर उसके संस्कार अच्छे हों तो उससे अच्छी आदतें और अच्छे विचार और अच्छे कर्म बनते हैं, और अगर एक व्यक्ति के संस्कार जो हैं बुरे हों तो बुरी आदतें और बुरे विचार की उत्पत्ति होती है। इसलिए जब तक कि आपके आचार विचार, आपके जो संस्कार हैं वो अच्छे नहीं हो जाते, वो शुभ नहीं हो जाते, तब तक जो है आप दुर्योधन के साथ ही जुड़े रहेंगे, दुर्योधन की सेना के साथ जुड़े रहेंगे। दुर्योधन की सेना जो आपके भीतर बैठी है वो आपको कंट्रोल करती रहेगी, और जिसके कारण जो है आपके पांडव जो हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। जो व्यक्ति ध्यान के साथ नहीं जुड़ा हुआ वो अपने आप को जो है दुर्योधन के साथ ही पाएगा, क्योंकि ध्यान ही एकमात्र मार्ग है जिसके कारण आपके जो पांडव हैं वो मुक्ति पाएंगे। सिर्फ ये ध्यान की वजह से एक ये स्थिति घट सकती है कि वो जो भीतर बैठे हुए, वो जो एक डॉर्मेंट स्टेट में, वो जो बीज बैठे हुए हैं, वो जो सूक्ष्म जो अवस्था में वो जो बीज हैं जो डिज़ायर्स के, सिर्फ ध्यान की वजह से आप उनको जला सकते हैं, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। डिज़ायर हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावर दैट ल्यूर्स मैन टू फॉलो द पाथ ऑफ सेंस प्लेजर रादर देन द पाथ ऑफ सेल्फ हैप्पीनेस। डिज़ायर की जो संसारी सुखों की जो शक्ति है वो बहुत ताकतवर है, जिसके कारण जो है आपकी जो टेंडेंसीज हैं, जो आपकी जो अच्छी टेंडेंसीज हैं वो वीक पड़ जाती हैं, और जो आपकी बुरी टेंडेंसीज हैं वो स्ट्रांग हो जाती हैं, जिसके कारण जो है आप संसार के साथ ज़्यादा जुड़ जाते हैं और परमात्मा से जो है आपका कनेक्शन जो है वीक पड़ जाता है। इस श्लोक में हम देखते हैं कि जैसे ही आपकी जो इंटेलिजेंस है, जो आपके पांडव हैं, वो एकत्रित होते हैं कौरवों से लड़ने के लिए, उसी वक्त दुर्योधन जो है, जो आपके भीतर जो संसारी जो डिज़ायर जो बैठा हुआ है उसको चिंता हो जाती है। जैसे ही आपकी जो इंटेलिजेंस, जो बुद्धि है वो जागना शुरू करती है, जैसे ही वो आपको असली सुख की तरफ ले जाना शुरू करती है, उसी वक्त दुर्योधन जो कि संसारी सुख है वो चकन्ने हो जाते हैं, और वो द्रोण का सहारा लेकर आपके पास के जो एक्शंस और डिज़ायर्स हैं उसको एक्टिवेट करने की कोशिश करती हैं, ताकि आपके पांडव जो हैं वो वीक हो जाए। एक चीज़ और समझने की है कि दुर्योधन को युद्ध में मात देना बहुत आसान होता अगर उनके साथ द्रोण ना जुड़े होते। जैसे कि वो कहते हैं कि ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, वो जो ओल्ड हैबिट्स हैं जो आपके भीतर बैठी हुई हैं उसका प्रभाव बहुत स्ट्रांग है। आप कहीं पर भी चले जाएं, कुछ भी कर लें, किसी भी स्थिति में चले जाएं, वो आपके जब तक कि वो ध्यान के कारण जो है, वो जो आपके बीच जो आपके भीतर बैठे हैं, जो आपको जो है जो डिज़ायर्स का काम करते हैं, जब तक कि वो ख़त्म नहीं हो जाते तब तक जो है दुर्योधन पावरफुल रहेगा, दुर्योधन जो है ताकतवर रहेगा, संसारी सुख जो है वो प्रगाढ़ता में ही रहेंगे। एक व्यक्ति जो कि ध्यान की यात्रा पर है उसको चौकन्ना रहना, क्योंकि जैसे ही उसका ध्यान गहरा होगा दुर्योधन उस पर प्रभाव डालने की कोशिश करेगा। वो आपको नए नए डिज़ायर्स, आपको नई नई टेम्पटेशंस के साथ जो है आपको जगाने की कोशिश करेगा। आपको भी पता है जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं तो हज़ारों तरह के जो है विचार आपके भीतर आने शुरू होते हैं। ये दुर्योधन है, ये द्रोण है जो आपके भीतर बैठे हुए जो डिज़ायर्स हैं उसको जगाने की कोशिश कर रहा है। आपने देखा होगा कि जब आप ध्यान कर रहे हैं आपको हर तरह का जो है डिज़ायर जो है आपके सामने आता है, छोटी छोटी चीज़ें कि आपको जो है छोटी छोटी चीज़ों से टेम्पटेशन आपको दी जाती है। आपका मन आपको कह सकता है कि एक नई फिल्म देख लो, एक दोस्त को कॉल कर लो, या फिर कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाओ। ऐसे बहुत डिफरेंट डिफरेंट किस्म के जो है डिज़ायर्स जो है वो आपके अंदर क्रिएट करने की कोशिश करेगा। एक भक्त को, एक ध्यानी को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये छोटी छोटी चुनौतियाँ हैं, ये छोटे छोटे टेस्ट हैं, इनको ओवरकम किया जा सकता है आराम से, अगर आपकी जो गहरी जो है आपके अंदर की जो विस्टम है, जो आपके अंदर का जो ज्ञान है वो आपका जो है एक्टिवेट होता है, वो आपका जो है आपका साथ देने लग जाए। अगर आदमी अंधों की तरह अपनी इच्छाओं को पूरी करने लग जाए तो वो अपनी इच्छाओं का गुलाम हो जाता है, वो दुर्योधन का शिष्य हो जाता है। कुछ ऐसा समझिए कि आपको जो है मैंने एक संतरा दिया और आपने जो है संतरे का छिलका खा लिया लेकिन संतरा नहीं खाया। तो डिज़ायर्स को जीना कुछ ऐसे ही है कि आप जो है उसका छिलका कहीं ना कहीं खा लेते हैं, कि उसमें जो छोटे छोटे जो उसमें तंतु हैं, जिसमें थोड़ा सा रस है, आप उसी से सेटिस्फाई हो गए। जो असली जो रस है, जो संतरे का रस है, वो आपने खाया ही नहीं। तो जो आदमी अपने काम वासना, अपने डिज़ायर्स और अपनी इच्छाओं के साथ अगर गहरे में जुड़ा हुआ है,
तो इन इच्छाओं की वजह से वो सिर्फ एक मशीन बन के रह जाता है। अगर आप एक आम आदमी की लाइफ देखें, वो सुबह उठता है, तैयार होता है, नाश्ता करता है, उसके बाद ऑफिस की तरफ भागता है, ऑफिस जाता है, उसके बाद फिर किसी तरह से लंच करेगा, उसके बाद फिर अपना जो है ट्रैफिक में जो है वापस जाएगा घर, और घर जाके डिनर करेगा और अपना जो है टीवी देखेगा। 95% लोगों की जो है स्थिति ऐसी ही है, वो इसी तरह से जीते हैं अपनी लाइफ। और ये सब जो है कहीं ना कहीं एक मैकेनिज्म उसके अंदर क्रिएट करता है, उसको एक मशीन बना के रख देता है। भगवद गीता आपको जो है इस पैटर्न से बचने के लिए कहती है, आपको प्रेरित करती है एक अच्छा, एक ब्यूटीफुल लाइफ जीने के लिए, आपको एक परमात्मय जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है, जिसमें ध्यान और समाधि के फूल लग सके और आपका जीवन शांति और आनंद से भर जाए। जिस दिन आपको जो है वो असली सुख मिलना शुरू हो जाएगा, उस दिन जो है जो बाहर के जो कौरव हैं वो सदा के लिए जो है वीक हो जाएंगे, वो कमज़ोर पड़ जाएंगे, और आपके भीतर के जो पांडव हैं, जो आपकी आपकी अच्छी टेंडेंसीज हैं, जो आपको परमात्मा की तरफ लेके जाती हैं, वो स्ट्रांग हो जाएंगे और आपको गिराना मुश्किल हो जाए। तो गीता आपको ये नहीं कहती कि आप अपनी सेंसेस को मत जिए, अपने इंद्रियों को मत जिए। गीता सिर्फ ये कहती है कि सब कुछ जीते हुए जो है आपको परमात्मा जो है उसका ध्यान अपने भीतर रखना है। आप जो भी करना चाहते हैं संसार में वो सब कुछ कीजिए, लेकिन अपने भीतर के परमात्मा को मत भूलिए, क्योंकि जहाँ से हम आए हैं हमें वहीं पे वापस जाना है। तो एक असली योगी जो है उसकी जीवन में असली भोग तब उतरता है जब वो परमात्मा के साथ जुड़ता है, जब वो परमात्मा को भोगना शुरू करता है। सो दिस वॉज माई इंटरप्रिटेशन फॉर यू फॉर दी भगवद गीता चैप्टर 1 श्लोक 2। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपको अपनी नई वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी जॉयफुल, एंड मेक श्योर आपके भीतर बैठे हुए उस द्रोणाचार्य जो है वो आपके ऊपर इतना प्रभाव न डाले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।